हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों टेक्स्ट मैसेज यानी कि एसएमएस को बैकअप एंड रीस्टोर कैसे करते हैं। दोस्तों एसएमएस को बैकअप करने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसएमएस होते हैं जो कि दोस्तों वो गलती से डिलीट हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने बैकअप किया होगा तो दोस्तों इन फ्यूचर आप उसे चुटकियों में कभी भी रिकवर कर सकते हो। दोस्तों ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे एसएमएस को बैकअप करते हैं और कैसे डिलीट होने के बाद इसे रीस्टोर करते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फैमिली परिवार के अंदर इसे शेयर करना। चलते हैं दोस्तों फटाफट से मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, दोस्तों इस कमाल के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं और दोस्तों यहां से मैं सबसे पहले दोस्तों मैं अपने मोबाइल फोन से एसएमएस को भी डिलीट करूंगा, बैकअप भी करूंगा और दोस्तों बैकअप करने के बाद दोस्तों रीस्टोर यानी कि दोस्तों एसएमएस को दोबारा आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। कंप्लीट प्रोसेस देखना दोस्तों, आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा यदि आपको पता रहेगा। इसके लिए दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन का यूज किया है जो कि दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है कि अपने फोन के अंदर इस एप्लीकेशन को दोस्तों जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा इसे दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने हैं, अलाउ करने हैं, फिर से अलाउ करने हैं, फिर से अलाउ करने हैं, फिर से अलाउ करने हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से दोस्तों ये ओपन हुआ है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या दोस्तों आपको बैकअप करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेटअप बैकअप करना है, सेटअप अप बैकअप पे क्लिक करना है। दोस्तों कॉल लोगो वाले पे दोस्तों इसे ऑफ कर देना है। हमें सिर्फ एसएमएस यानी कि दोस्तों टेक्स्ट मैसेज ही चाहिए। दोस्तों हम इस पे क्लिक रखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे ड्राइव में, ड्रॉप बॉक्स में, वन ड्राइव में और आप अपने फोन के अंदर भी इसे बैकअप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो दोस्तों आप किसी अपने फोल्डर के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे इसे बैकअप कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल। मैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों यस पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको दोस्तों ये कब कब बैकअप करना है तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों हावरली यहाँ पे क्लिक रखना। जब भी दोस्तों आपके फोन के अंदर कहीं से भी एसएमएस आएगा हर घंटे दोस्तों ये जो आपका मोबाइल फोन है ना दोस्तों ये ऐप वो उस एसएमएस को बैकअप कर लेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करने हैं और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों बैकअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों बैकअप नाउ पे आपको क्लिक करने हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करने हैं और आपको यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये एक XML नाम से दोस्तों यहाँ पे फाइल बन चुका है। बैकअप पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे बैकअप हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने दोस्तों लाइव मैं SMS को डिलीट करूंगा और दोस्तों आपके सामने ही दोस्तों यहाँ पे रिकवर भी करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं ऊपर से यहाँ पे कुछ मैसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, यहाँ पे दोस्तों पांच मैसेज को मैं डिलीट करने वाला हूँ। ध्यान से दोस्तों आप लोग देख लेना, ये दोस्तों आपको जिंदगी भर काम आएगा। आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर रखने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रिकवर भी करके, यहाँ पे भी दोस्तों ये लेटेस्ट मैसेज है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं इसे सबको मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं फिर से उस एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे दोस्तों इसे हम लोग रिकवर करेंगे। दोस्तों कैसे रिकवर करेंगे बस दोस्तों आपको बस ध्यान से देखते रहना है बिना स्किप के। दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों पूरा एक बार बैक आ जाते हैं, पूरा बैक आ जाते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री दोस्तों लाइन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करने हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे रीस्टोर का एक बटन मिलता है, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, होम, बैकअप नाउ, रीस्टोर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दोस्तों रीस्टोर यानी कि दोस्तों लोकल बैकअप लोकेशन आपको चूज करने हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसे रीस्टोर पे दोस्तों क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि अवेलेबल है यहाँ पे मेरा बैकअप। अब यहाँ पे दोस्तों मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं अभी फिलहाल दोस्तों जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूं दोस्तों मैं उसे यहां पे डिफॉल्ट चूज करता हूं ताकि दोस्तों मैं इसे रिकवर कर सकूं। यहां पे सेट एज डिफॉल्ट पे दोस्तों क्लिक करता हूं। यहां पे दोस्तों जो मैसेज है ना वो रिकवर दोस्तों होना स्टार्ट हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करता हूँ यानी दोस्तों सारे के सारे मैसेज रिकवर हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैसेज तो रिकवर हो चुके हैं। अब आपको दोस्तों एसएमएस के अंदर जाने हैं जहाँ से दोस्तों आपने एसएमएस को डिलीट किया था। अब दोस्तों आपको इस एसएमएस को दोस्तों फिर से
ये जो एप्लीकेशन है ना एसएमएस वाली, फिर से इसे डिफॉल्ट ऐप के रूप में दोस्तों सेट कर देना है, जो हैंडसेट के अंदर आता है और सेट एज ए डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। आपने दोस्तों जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया दोस्तों, रिकवर करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे आपको ये सारे के सारे एसएमएस जो भी मैंने डिलीट किए दोस्तों आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात के साथ दोस्तों मैसेज मैंने डिलीट किए थे, फर्स्ट में दोस्तों 5 उसके बाद 2, यानी कि दोस्तों टोटली मैसेज यहां पे रिकवर हो चुके हैं। और दोस्तों ये तरीका यूज करके आप भी डिलीट टेक्स्ट मैसेज को दोस्तों रिकवर कर सकते हो, बट दोस्तों उससे पहले आपको बैकअप करना पड़ेगा। और दोस्तों बैकअप करने के लिए इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन के अंदर पहले से ही दोस्तों इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, तो दोस्तों आपको सिंपल सा प्ले स्टोर में आने हैं और दोस्तों एसएमएस बैकअप एंड रीस्टोर दोस्तों लिखना है। दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आपको ये 10-12 MB की एप्लीकेशन है, काफ़ी काम की है दोस्तों, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैंने क्या क्या करना है दोस्तों बता ही दिया। आई होप कि दोस्तों मैंने आपको जो इस वीडियो के अंदर जानकारी दिया है ना दोस्तों वो पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।